महेश बाबू की गुंटूर कारम फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर दिया और ये फिल्म अभी भी करती जा रही है दिन पे दिन रिकॉर्ड तोड़ कमाई। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों हनुमान फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जिस तरह की कमाई की है उसे देखकर हर कोई हैरान है, क्योंकि ये मूवी हिंदी और साउथ सभी लैंग्वेजेस में दिन पे दिन ऐतिहासिक कलेक्शन करती जा रही है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हनुमान और महेश बाबू की गुंटूर कारम के 6 दिनों के कलेक्शन के बारे में, वही ना सामी रंगा के भी 4 दिनों के कलेक्शन के बारे में, तो धनुष की फिल्म कैप्टन मिलर के भी 6 दिनों के टोटल कलेक्शन के बारे में, और आपको बताएंगे इन सभी फिल्मों ने दुनिया भर से कितने करोड़ की कमाई की। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि इन सभी फिल्मों में आपके पसंद की फिल्म कौन सी है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें किंग नागार्जुन सर की फिल्म ना सामी रंगा के बारे में, जिस फिल्म को रिलीज किया गया था 14 जनवरी यानी कि संडे को, और इस फिल्म को सिनेमाघरों में आज हो चुके हैं 4 दिन। बता दो दोस्तों फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग भी जबरदस्त ली थी और फिल्म को जो रिव्यूज मिले थे वो भी पॉजिटिव थे, इसी के चलते इस फिल्म के जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 4 दिनों में काफी शानदार हो चुके हैं और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सुपरहिट होने को तैयार है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें ना सामी रंगा फिल्म के अब तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म ने शुरुआती 2 दिनों के अंदर इंडिया नेट कलेक्शन 13 करोड़ 88 लाख रुपए का किया था, वही तीसरे दिन फिल्म का कलेक्शन 4 करोड़ 73 लाख रुपए का रहा। आज फिल्म को जो ऑक्यूपेंसी मिली है वो कल के मुकाबले सिर्फ 5-6% ड्रॉप हुई है, साथ ही साथ फिल्म की आफ्टरनून इवनिंग नाइट शोज की बुकिंग भी काफी सॉलिड रही। तो जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक ना सामी रंगा अपने 4th दिन इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है 4 करोड़ 30 लाख रुपए का, और इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का शुरुआती 4 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है 22 करोड़ 91 लाख रुपए, तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 27 करोड़ 30 लाख रुपए। बता दो दोस्तों फिल्म ने ओवरसीज मार्केट से 6 करोड़ 72 लाख रुपए की कमाई की है, और इसी के साथ दोस्तों ना सामी रंगा का 4 दिनों का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 34 करोड़ 2 लाख रुपए का हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म दुनिया भर में 34 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई सिर्फ 4 दिनों में कर चुकी है। लेकिन दोस्तों अब अगर बात करें इस हफ्ते रिलीज हुई धनुष की फिल्म कैप्टन मिलर के बारे में, जिसे तमिल कन्नड़ा हिंदी 3 भाषाओं में रिलीज किया गया था, बताना चाहूंगा दोस्तों फिल्म को सिनेमाघरों में आज हो चुके हैं 6 दिन और फिल्म ने 6 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर जो कमाई की है वो पूरी तरह से लाजवाब है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के साथ में ही एक और तमिल फिल्म रिलीज हुई थी जिसके चलते फिल्म को एक बड़ा कंपटीशन देखने को मिला था, और जब कैप्टन मिलर फिल्म के जो फर्स्ट डे रिव्यूज निकल के आए थे वो मिक्स थे, जिसके बाद में लग रहा था कि ये फिल्म शायद वीकेंड के बाद बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाई नहीं करेगी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म ने वीकेंड में तो ताबड़तोड़ कलेक्शन किया, साथ ही साथ फिल्म ने वीकडेज में भी अच्छी खासी कमाई कर ली है। हालांकि बात करें यहां पर कैप्टन मिलर के 3 भाषाओं के अब तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों कैप्टन मिलर फिल्म ने शुरुआती 4 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन 31 करोड़ 56 लाख रुपए का किया था, वही 5वें दिन फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 4 करोड़ 72 लाख रुपए का रहा। हालांकि दोस्तों फिल्म को 6ठे दिन जो ऑक्यूपेंसी मिली वो 5वें दिन के मुकाबले सिर्फ हल्की सी ड्रॉप रही, यानी कि दोस्तों कैप्टन मिलर फिल्म अपने 6ठे दिन भी इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है 4 करोड़ 30 लाख रुपए का, और इसी के साथ कैप्टन मिलर का शुरुआती 6 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है 40 करोड़ 58 लाख रुपए, तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 48 करोड़ 37 लाख रुपए। फिल्म ने ओवरसीज मार्केट यानी कि विदेशों से 12 करोड़ 13 लाख रुपए की कमाई की है, और इसी के साथ कैप्टन मिलर का 6 दिनों का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो चुका है 61 करोड़ 2 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, फिल्म दुनिया भर में 61 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है और फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर क्लीन हिट का टैग मिल चुका है। दोस्तों जिस तरह से यह फिल्म दिन पे दिन कलेक्शन करती जा रही है उसे देखकर लगता है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट का टैग हासिल करेगी। और दोस्तों बात करें सुपरस्टार महेश बाबू की इस हफ्ते रिलीज हुई एक्शन ड्रामा फिल्म गुंटूर कारम के बारे में, तो त्रिविक्रम श्रीनिवास सर के डायरेक्शन में बनी गुंटूर कारम, जिस फिल्म में महेश बाबू पूरी तरह से मासी अवतार में नजर आ रहे हैं, बताना चाहेंगे दोस्तों इस फिल्म को सिनेमाघरों में आज हो चुके हैं 6 दिन। इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिव्यूज मिले थे, लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली ऑडियंस को यह फिल्म काफी ज्यादा पसंद आ रही है, जिसके चलते ही फिल्म ने वीकेंड के बाद वीकडेज में भी अच्छी खासी कमाई की जो रफ्तार है उसे जारी रखा है। जी हाँ दोस्तों, हैरान करने वाली बात यह है कि इस वक्त गुंटूर
तुर्कारम के सामने हनुमान फिल्म ज्यादा स्क्रीन दिन पे दिन लेती जा रही है, लेकिन फिर भी महेश बाबू के गुंटुरकारम के जो कलेक्शन है वो काफी बढ़िया आ रहे हैं। मतलब कि जितनी उम्मीद थी ना उससे ज्यादा का कलेक्शन ये फिल्म वीकडेज में कर रही है। हालांकि आपको बता दें कि फिल्म को सिंगल लैंग्वेज यानी कि तेलुगु में रिलीज किया और फिल्म का हिंदी वर्जन शायद बाद में OTT पर रिलीज होगा। बात की जाए यहाँ पर गुंटुरकारम के 6 दिनों के टोटल कलेक्शन के बारे में, दोस्तों गुंटुरकारम फिल्म ने 4 दिनों के अंदर ही इंडिया नेट कलेक्शन 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का किया था। जी हाँ दोस्तों, फिल्म का 4 दिनों का ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 111 करोड़ 46 लाख रुपए का रहा था। वही फिल्म ने 5वें दिन इंडिया नेट कलेक्शन 9 करोड़ 84 लाख रुपए का किया। बात करें इस फिल्म के आज यानी कि 6 दिन के कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों गुंटुरकारम की आज की जो ऑक्यूपेंसी है वो कल के मुकाबले 10% ड्रॉप हो चुकी है। यानी कि दोस्तों गुंटुरकारम फिल्म अपने 6 दिन इंडिया नेट कलेक्शन 8 करोड़ 50 लाख रुपए का कर रही है। और इसी के साथ महेश बाबू की गुंटुरकारम का 6 दिनों का टोटल कलेक्शन इंडिया नेट हो चुका है 129 करोड़ 80 लाख रुपए, तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 154 करोड़ 72 लाख रुपए। फिल्म ने ओवरसीज मार्केट से 47 करोड़ 68 लाख रुपए की कमाई की है। और इसी के साथ गुंटुरकारम का 6 दिनों का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 202 करोड़ 40 लाख रुपए का हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, महेश बाबू की गुंटुरकारम दुनिया भर में 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई कर चुकी है। तो 200 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है। अब देखते हैं कि फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन कहां तक जाता है। वही दोस्तों, अगर बात की जाए इस हफ्ते रिलीज हुई पैन इंडिया फिल्म हनुमान के बारे में, तो भैया हनुमान फिल्म ने तो कसम खा रखी है कि यह फिल्म 2024 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बन के ही रहेगी। मतलब कि थोड़े से बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जो कमाई की है वो बॉलीवुड की और साउथ की 200 करोड़ में बजट में बनने वाली फिल्मों से भी कहीं ज्यादा है। और जिस तरह फिल्म दिन पे दिन रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन करती जा रही है उसे देखकर तो लगता है कि ये मूवी महेश बाबू की फिल्म गुंटुरकारम से भी कहीं ज्यादा लाइफ टाइम कलेक्शन करेगी। जी हाँ दोस्तों, प्रशांत वर्मा के डायरेक्शन में बनी फिल्म हनुमान, जिस फिल्म में हमें देखने को मिल रहे हैं तेजा सज्जा। बताना चाहूंगा दोस्तों, फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा टोटल 5 भाषाओं में रिलीज किया था और फिल्म को सिनेमा घरों में आज हो चुके हैं 6 दिन। बात करें फिल्म के 6 दिनों के टोटल कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता देते हैं इस फिल्म के हिंदी कलेक्शन, उसके बाद जानेंगे 5 भाषाओं के टोटल कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों हनुमान फिल्म ने हिंदी मार्केट से शुरुआती 4 दिनों के अंदर 16 करोड़ 17 लाख रुपए का नेट कलेक्शन किया था। वही 5वें दिन फिल्म की कमाई रही थी 3 करोड़ 85 लाख रुपए। यह फिल्म आज भी हिंदी मार्केट में शानदार ऑक्यूपेंसी लेने में पूरी तरह से कामयाब रही और यह मूवी हिंदी मार्केट से अपने 6 दिन इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है 3 करोड़ 70 लाख रुपए का। और इसी के साथ दोस्तों हनुमान फिल्म का 6 दिनों में हिंदी नेट कलेक्शन हो चुका है 23 करोड़ 72 लाख रुपए, तो हिंदी ग्रोस कलेक्शन 28 करोड़ 75 लाख रुपए। तो दोस्तों फिल्म हिंदी में तो सुपर डुपर हिट हो चुकी है। लेकिन बात करें फिल्म के 5 भाषाओं के कलेक्शन के बारे में, दोस्तों हनुमान फिल्म ने शुरुआती 4 दिनों में ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 56 करोड़ 85 लाख रुपए का किया था। वही 5वें दिन इस फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 11 करोड़ 28 लाख रुपए का रहा, हम सबकी उम्मीदों से भी कहीं ज्यादा। बात करें इस फिल्म के आज यानी कि 6 दिन के कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म को आज जो ऑक्यूपेंसी मिली है वो महेश बाबू की फिल्म गुंटुरकारम से भी काफी ज्यादा बेहतर है। तो जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक हनुमान फिल्म अपने 6 दिन इंडिया नेट कलेक्शन सभी भाषाओं से 10 करोड़ 50 लाख रुपए का कर रही है। और इसी के साथ दोस्तों हनुमान फिल्म का शुरुआती 6 दिनों के अंदर ऑल इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है 78 करोड़ 63 लाख रुपए, तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 93 करोड़ 72 लाख रुपए। फिल्म ने ओवरसीज मार्केट यानी कि विदेशों से 38 करोड़ 41 लाख रुपए की कमाई की है। और इसी के साथ हनुमान फिल्म का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 132 करोड़ 13 लाख रुपए का हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म 6 दिनों में सभी भाषाओं से दुनिया भर में 132 करोड़ 13 लाख रुपए की कमाई करके बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। क्योंकि दोस्तों फिल्म का जो बजट है वो 50-55 करोड़ रुपए है और फिल्म 6 दिनों में ही 132 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई ऑलरेडी कर चुकी है। लेकिन दोस्तों पिछले वीडियो में भी मैंने आपको कहा था और फिर से कहूंगा कि ये फिल्म इतनी जल्दी नहीं रुकेगी। इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन अब मिनिमम 250-300 करोड़ रुपए तक जाएगा। अगर सब कुछ सही रहा तो शायद ये फिल्म 350 करोड़ या 400
400 करोड़ की भी कमाई कर सकती है, लेकिन अभी के लिए इतना तो कन्फर्म है कि सिर्फ 50-55 करोड़ के बजट में बनी हनुमान का लाइफ टाइम कलेक्शन 250 करोड़ रुपए तो मिनिमम होने वाला है।